मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। निरसा कांग्रेसियों ने निरसा हटिया मोड़ से निरसा प्रखंड सहंचल कार्यालय तक जुलूस की शक्ल में विरोध प्रदर्शन किया, जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद निरसा अंचलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के धनबाद जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र झा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने पद का गलत उपयोग कर रही है। नरेंद्र मोदी ईडी के सहारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेसियों को परेशान करता है। नरेंद्र मोदी को जब भी हार का सामना करना पड़ता है तो ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हैं, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार जो है, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, कांग्रेस वर्कर को परेशान करने का, अपने ईडी को, प्रधान निदेशालय को आगे करके परेशान करना चाहता है। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। पूरे भारतवर्ष के नौजवान कांग्रेस कर्मी, इसका जनता इसका विरोध कर रहा है। आगे क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इसके लिए? हम लोग और अग्निवीर जो लगाया है, अग्निवीर के बारे में कहना है कि अहिंसात्मक आंदोलन करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ होगा। अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए और जनता को ठकने का, बेवकूफ बनाने का अग्निवीर को लाया गया है। अग्निवीर जो लाया है, आम जनता को, नौजवान को बेवकूफ बनाने के लिए लाया है, इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पूरे राज्य में इसका विरोध कर रही है? पूरे राज्य में इसका अहिंसात्मक ढंग से विरोध करता है, अहिंसात्मक ढंग से, शांति प्रिय ढंग से। हम महात्मा गांधी पुजारी, शांति प्रिय पुजारी,